दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों जेपी पावर में बीके टाइम हमें अगेन फिर से करेक्शन देखने को मिल रहा है और देखा जाए आज फिर स्टॉक भाई 3% के आसपास गिरावट के अंदर क्लोजिंग हुआ है। देखो करना क्या चाहिए, कितना वेट करवाएगा एंड यहाँ से क्या नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि भाई बॉटम तो क्रिएट कर चुका है। अगर यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स टूटते हैं तो बड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे हमें नजर आ सकती है। देखिए भाई अभी के टाइम जेपी एसोसिएट के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं कि जेपी एसोसिएट का क्या होगा, एनसीएलटी में सुनवाई होगी एंड कब होगी। तो जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं मैं, अभी के टाइम टोटली कंसोलिडेट हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखो चार्ट पैटर्न अभी के टाइम स्टॉक के टोटली कंसोलिडेट वाले देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है। एंड मेन चीज यहाँ पे क्वार्टर वन जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है वो कैसे देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड कब तक रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि अभी के टाइम देखो एक तो एस एम स्टे शोर में देखो तो वही वॉलिटी यहाँ पे काफी। दूसरी आप जैसा कि आप देखोगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट अगर मैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता तो भाई फिर तो यहाँ पे 12 के नीचे भी आ सकता है, ये चीज आप ध्यान रखना। अभी के टाइम तक रिजल्ट अच्छे आते हैं दोस्तों एक नया हाई भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब रिजल्ट कैसे आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, अलग वीडियो हम रिजल्ट का यहाँ पे बना देंगे, उसमें देखेंगे कि क्वार्टर वन जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है उसमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब कितने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले। देखो भाई पहली चीज संकेत आप समझो, गर्मियों के सीजन आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है खासकर पावर सेक्टर का तो यही टाइम होता है, इसी सेगमेंट इसी टाइम में दोस्तों पावर सेक्टर के रेवेन्यू प्रॉफिट उछाल में आते हैं। जो क्वार्टर फोर का टाइम है क्वार्टर वन का टाइम ये दो क्वार्टर सबसे अच्छे रहते हैं यहाँ पे, तो डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। एंड मेन चीज अभी के टाइम जो डाटा है वो देख लेते हैं दोस्तों, अराउंड 2 करोड़ के आसपास की आपकी टोटल वॉल्यूम थी, एमओ देख सकते हैं 17,000 के आसपास शेयर में एमओ के अंदर अभी के टाइम बाइंग क्वालिटी में लगे हुए, टोटल 100% की जो वॉल्यूम है 2 करोड़ के आसपास वो पूरी डिलीवरी है। देखो आप खुद सोचो जो वॉल्यूम स्टॉक की 7-8 करोड़ 10-12 करोड़ की नॉर्मल वॉल्यूम आती थी वो भी के टाइम भाई घट के कितनी हो चुकी है 2 करोड़ के आसपास, तो बिल्कुल डाउन है। बड़े प्लेयर जब स्टॉक ऐसे समय होता ना भाई, बड़े प्लेयर एक भी यहाँ पर सेल बाई डाटा नहीं करते, बड़े प्लेयर स्टॉक को छेड़ते नहीं, क्योंकि भाई सीधा सीधा सीबी एंड एनएससी बेस स्टॉक पर नजर रखती है। अंडर सेको लेजर हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे जो सबको लेजर है एसम का उसके अंडर स्टॉक रहता है तो उसकी वॉलिटिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स नहीं खरीदते हैं, टोटल रिटेल पैनिक होता है, रिटेल सेलिंग करता है तो उसको खरीदने वाला नहीं होता है, तो स्टॉक क्या करता है गिर जाता है एसम में जैसे ही जाता है। एंड एसम से खबर आएगा वो भी मैं इस वीडियो में टोटली समझाऊंगा। अगर आज का एंटायर चार्ट आप देखोगे तो दोस्तों बड़ी वॉलिटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली, गिरा फिर से उठा फिर से गिरा फिर से उठा फिर से गिरा फिर से उठा फिर से गिरा, तो टोटली यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों बड़ी वॉलिटिलिटी, लोगों से माल बिकवाया भी जा रहा है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खरीद रहे हैं। एंड मैं सीधा सीधा बता दूं तो भाई जेपी पावर मैनेजमेंट का मौका है, जेपी पावर के अगर आप सोच रहे हैं कि 6-7 रुपये चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ कि भाई जो फाइनेंशियल डाटा पुराना था जिसको आपने देख के पहले स्टॉक 6-5 रुपये ट्रेड करता तब बातें अलग थी, अभी बातें अलग है। अभी दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, आने वाले क्वार्टर में कंपनी वो प्रॉफिट करेगी, यहाँ से स्टॉक का प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और आने वाले दोस्तों जो एक साल का अगर व्यू देखें हम यहाँ से कितना जा सकता है, इजीली दोस्तों यहाँ पे स्टॉक निकल जाएगा 50+, ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम दे स्टॉक को, वॉलिटिलिटी तो दिखेगी भाई। जब ये 50 पे जाएगा उसके बाद वापस 40 पे आएगा, फिर से 55 जाएगा, फिर से ये 45 आएगा, फिर से 65 जाएगा, फिर से 55 आएगा, इससे स्टॉक चलते रहते हैं, तो इसमें ज्यादा हमें डरने की जरूरत है। अब मेन चीज की एसम से कब बार होगा, तो एसम का डाटा हम देख लेते हैं दोस्तों। देखो इसको 12 फरवरी को एसम में डाला गया था, ठीक है, स्टेज 4 में डाला गया था, तो यहाँ से हम देखो 90 दिन का इसका टाइम होता, तो अगर 90 दिन हम यहाँ पे जोड़े कि 90 दिन कब होंगे, तो देखो फरवरी मार्च यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च 12 मार्च को स्टॉक हो गया 30 दिन, ठीक है, तो अभी कितने दिन बाकी है 60 दिन, और यहाँ पे 2 महीने एंड क्वार्टर फोर क्वार्टर जो फोर के रिजल्ट उसको कितना टाइम बाकी है, और देखा जाए तो अगले महीने की 30 तारीख से पहले पहले रिजल्ट दिख जाए, ठीक है ना, 30 तारीख के आसपास 25-30 एंड यहाँ पे नीचे से लेकर चलो 25 ऊपर से लेकर चलो 5 तारीख इसके बीच बस ये रिजल्ट दिख जाएंगे। एंड दोस्तों रिजल्ट से पहले एसम से बाहर नहीं निकलेगा, रिजल्ट के बाद निकलेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट का भी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एंड एसम से जैसे बाहर बाहर निकलेगा तो स्टॉक की लिमिट बढ़ जाएगी, एंड एसम देखो जो हाल के अंदर लगभग 200-300% की रिटर्न बने हैं वो भी स्टार्ट सस्टेन कर लेगा, तो जैसे एसम से बाहर निकलेगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्टॉक दोस्तों भागेगा, स्टॉक रुकने वाला नहीं है, स्टॉक एसम से बाहर निकलते ही पहले दिन सर्किट मार्केट लगाएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद जैसे यहाँ पे चीजें सही रहेगी इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बाद धीरे धीरे आपको अपसाइड देखेगा, और वो यहाँ पे खेस के लेके चलो 2 महीना वेट करना पड़ सकता है सीधा सीधा अगर मैं बता दूं तो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खाली बाउंस आएगा, बाउंस नहीं आएगा, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा धीरे धीरे, 18 तो निकल जाएगा।